Go ahead. Ask them to move forward. Sir, what? जैसा गौर्थ ने डिमांड किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस आ रहे हैं सर. Oh shit! Sir, they entered the island, sir. उसे immediately track करो. Okay, sir. Ask them to move forward. इसका नाम है विश्वनाथ रामचंद्र, लंदन बेस्ड बिजनेसमैन. अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए वर्ल्ड बिजनेस समिट में अटेंड हुए थे. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम विश्वनाथ रामचंद्र. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द वर्ल्ड बिजनेस समिट 2020. आई एम रियली ग्लैड टू शेयर द स्टेज विद द एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. व्हेनेवर आई मीट माई बिजनेस पार्टनर्स, माई कलीग्स, माई एम्प्लॉयज, they always have the same question for me, you know, what is the most important quality of a successful businessman? According to me, a businessman has no friends, no enemies, no emotions, and no deviations. And all he loves is the color of money. Subah, aapne achhi speech di. Aapne suni kya? Yes. Please come. Just give me a moment. Okay, sir. Please. By the way, I am Industrial Minister Bhikshapati. Oh. और यह है Finance Minister Manik Rao जी. नमस्ते. अजय सारथी MP हैं. Hello, sir. This is Mr. Jay. Hi, Jay. Hi. लंदन में काम करते हुए तुमने 18,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और उस कंट्री के तुम हाईएस्ट टैक्स पेयर हो, ऐसा अभी जय ने बताया. We are proud of you, विश्वनाथ जी. आप यहाँ लंदन में रहकर अपना बिजनेस कहाँ कहाँ एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं और यहाँ हम हिंदुस्तान में अपने ही देश में इन्वेस्ट करने की बात करने आए हैं. ग्रेट इनिशिएटिव. आपने कैसे 200 करोड़ वो ब्रिटिश वालों पर इन्वेस्ट किया जिन्होंने हमें अपना गुलाम बनाकर रखा था? विश्वनाथ जी, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने देश में कीजिए, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट देना है तो अपने देश में दीजिए, अगर आपको टैक्स भरना है तो अपने ही देश में भरिए, क्योंकि आप हिंदुस्तानी ही तो हो. आप आगे अपने ही देश में इन्वेस्ट कीजिए, हम सीएम से बात करके सिंगल विंडो परमिशन दिलवा देंगे और आपको हर तरीके के सपोर्ट देंगे. थैंक यू फॉर द इनविटेशन. आई डेफिनेटली थैंक यू विश्वनाथ जी. उसके कुछ दिनों के बाद ही वो प्रपोजल के साथ यहां आने वाले विश्वनाथ जी को सिंगल विंडो के साथ सारे परमिशंस देकर लैंड अलॉट किया था. उन्होंने सारे प्रोजेक्ट तैयार किए थे और इंटरनेशनल बैंक से 1600 करोड़ का लोन रिसीव किया था. फर्स्ट बंच में 500 करोड़ थे. कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से काम स्टार्ट करके उस काम को बीच में छोड़कर पैसे लेकर यहां से भाग गया था. जिस बैंक ने इनको लोन दिया उस बैंक ने इन पर केस कर दिया था. ऐसे भागने वाले आदमी को ऐसे ही किडनैप करके हमारे साथ खेल खेल रहा है, बात को समझ में नहीं आई. सर, गॉडसे इज कॉलिंग, वी हैव टू गो. सर, लेट्स गो. हां, चलिए. आप लोगों ने मेरी डिमांड की इज्जत रखी इसलिए. देखिए जेंटलमैन, आप इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है. मुझे आपके बारे में जो बताया गया है कि आप इस देश में बिजनेस करने आए थे और यहां की सरकार ने जो आपको अधिकार दिया. यहां की सरकार ने मुझे जो अधिकार दिया उसका गलत फायदा उठाकर इंटरनेशनल बैंक से लोन ले लिया, फिर काम बीच में छोड़कर पैसा लेकर भाग गया. आपसे यही कहा गया है ना? Yes, exactly. मैं इस देश बिजनेस करने या पैसा कमाने के लिए नहीं आया था, और उस इंटरनेशनल बिजनेस समिट के दिन इन लोगों ने मुझे जो न्योता दिया था उसके लिए तो बिल्कुल नहीं आया था. जानते हैं मैं क्यों आया था? आफ्टर द इंटरनेशनल बिजनेस समिट मेरे 15 साल पुराने एक इंटरमीडिएट क्लासमेट ने रियूनियन ऑर्गेनाइज किया था. रियूनियन पार्टी में सबको सरप्राइज देने के लिए मैं इंडिया आया था. सर, विक्रांत. यस सर. डोंट फॉलो मी. ये एक वन डे पर्सनल ट्रिप है. रिटर्न जर्नी अरेंज करवाओ. ओके सर. ओके, बाय. ड्राइव करते हुए जिस जगह मैंने पढ़ाई की, जिन जगहों पर मैं खेला कूदा, वहां से गुजरते हुए यादें ताजा हो गई.
लिफ्ट प्लीज। हेलो, ए तुम, हे सीताराम, ए गॉडसे, कितने सालों के देखे हुए, ए गॉडसे, कैसा यार तू? मुझे भूला तो नहीं ना? अबे कैसे भूलूंगा तुझे? यार थोड़ी देर पहले यहाँ से एक बेंस कार गई थी, वो तेरी थी ना? मेरी नहीं थी। अरे नहीं, अगर तू बोलता तेरी थी तो मुझे खुशी होती। सुधरा नहीं यार, दोस्त कभी सुधरते हैं क्या? अच्छा गाड़ी उठा, गाड़ी उठा। कितने साल हो गए तुझे देखे हुए? अच्छा रुक रुक रुक, मैं चलाता हूँ। बहुत देर हो गए यार, चलो। गॉडसे तू तो बिल्कुल नहीं बदला यार। कैसा यार तू? ए भाई कैसे हो, कैसे हो तुम लोग? ठीक तो हो ना? गुड गुड। अरे अपने अपने साइंटिस्ट कहाँ गए? राघव, पवन, ये लोग कहाँ? तुम्हें सिर्फ वो साइंटिस्ट चाहिए क्या? हमसे मतलब नहीं है क्या तुम्हें? अरे बाप रे।